नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूँ दोस्त आप सभी के लिए कुछ एक महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, आजकल हम अपनी कड़ी में बात कर रहे हैं दोस्तों सेक्स संबंधित समस्याओं से, कैसे पाए निजात इस संबंध में। आपकी भी अगर ऐसी कोई समस्या है तो आप हमें मेल कर सकते हैं दोस्तों, हम आपकी समस्या पर प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे, ध्यान देने की कोशिश करेंगे दोस्तों। आइए आज हमारे एक श्रोता हैं जिनके मेल लेते हैं, देखते हैं इनका क्या कहना है। इनका कहना है, मेरे विवाह को 2 वर्ष बीत चुके हैं, मैंने ऐसा बहुत प्रयत्न किया कि मैं गर्भवती हो जाऊं, परंतु मुझे अभी सफलता नहीं मिली। मुझे मैथुन में आनंद तभी आता है जब मैं अपने पति के ऊपर रहकर संभोग करती हूं। इसके अतिरिक्त संभोग के बाद तुरंत उठकर पेशाब भी करने जाती हूँ। मेरे पति का कहना है कि इस आसन से संभोग करने तथा तुरंत पेशाब को जाने की आदत के कारण मैं गर्भवती नहीं हो सकती। क्या उनका कहना ठीक है? क्या आप बताएंगे कि स्त्री में गर्भ ठहरने की संभावना किन दिनों में ज़्यादा होती है? जी हाँ दोस्तों, एक बार इनके क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। हम सभी अपने श्रोताओं के क्वेश्चन को 2 बार इसलिए ध्यान से पढ़ने की कोशिश करते हैं दोस्तों कि सबसे पहले आप भी, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों की समस्याएँ होती हैं, तो आप भी ध्यान से सुन सकें, इसके बाद हम आपको इसका निदान बताते हैं दोस्तों। आइए एक बार वापस पढ़ते हैं। इनका कहना है कि मेरे विवाह को 2 वर्ष बीत चुके हैं, मैंने ऐसा बहुत प्रयत्न किया कि मैं गर्भवती हो जाऊं, परंतु मुझे अभी सफलता नहीं मिली। मुझे मैथुन में आनंद तभी आता है जब मैं अपने पति के ऊपर रहकर संभोग करती हूँ। इसके अतिरिक्त संभोग के बाद तुरंत उठकर पेशाब भी करने जाती हूँ। मेरे पति का कहना है कि इस आसन से संभोग करने तथा तुरंत पेशाब को जाने की आदत के कारण मैं गर्भवती नहीं हो सकती। क्या उनका कहना ठीक है? क्या आप बताएंगे कि स्त्री में गर्भ ठहरने की संभावना किन दिनों में ज़्यादा होती है? देखिए, आप जिस आसन में संभोग करते हैं इसमें भी गर्भ ठहर सकता है और ठहरता भी है। संभोग के बाद आप तुरंत पेशाब को जाती हैं, इससे भी गर्भ स्थापित होने में बाधा नहीं पड़ेगी। आपको स्मरण रखना चाहिए कि गर्भ रहने के लिए यह जरूरी नहीं है कि समस्त वीर्य योनि में रुका ही रहे। फिर भी यदि आप जल्दी गर्भवती होने की इच्छुक हैं तो आपको उस आसन में संभोग करना चाहिए जिसमें स्त्री चित अर्थात पीठ के बल लेटी रहती है और पुरुष उसके ऊपर आकर संभोग करता है। संभोग के बाद आपको थोड़ी देर चुपचाप वीर्य को योनि में रोके हुए लेटे रहना चाहिए। स्त्री का डिंब मासिक धर्म आरंभ होने के 10वें से 20वें दिन तक अधिकतर निकला रहता है और इन दिनों में संभोग होने से उसके गर्भवती होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन यह भी मत भूलिए कि महीने में किसी भी दिन डिंब निकल सकता है। यहाँ तक कि जिन दिनों स्त्री को मासिक स्त्राव हो रहा हो उन दिनों में भी डिंब निकल सकता है और स्त्री गर्भवती हो सकती है। तो देखा दोस्तों आपने कि हमारे एक श्रोता की किस प्रकार से समस्या थी, जिन्होंने हमें लिख भेजा था, हमने इनकी समस्या पर ध्यान दिया और प्रकाश डालने की कोशिश की। अगर आपकी भी ऐसी कोई समस्या है तो आप हमें लिख करके सेंड कर सकते हैं दोस्तों, हम कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या को शामिल करें अपने क्वेश्चन में और आपको बताएं। लेकिन देखते हैं एक छोटा क्वेश्चन और आया हुआ है तो इसको भी इसी में निपटाते हैं दोस्तों, इसी एपिसोड में देखते हैं इनका क्या कहना है। इनका कहना है कि क्या पुरुष के लिए आवश्यक है कि वह स्त्री के साथ संभोग करने के तत्काल बाद अपने शिश्न को साबुन और पानी से धोकर साफ कर लें? देखिए, इस प्रकार शिश्न को साफ करना आवश्यक नहीं है, परंतु स्वास्थ्य और सफाई की दृष्टि से ऐसा कर लेना आपके लिए लाभदायक है मित्र। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो अच्छी बात है, कोई बहुत ज़रूरी नहीं है, पर अगर आप करते हैं तो सफाई की दृष्टि से यह अच्छा कदम है, करना चाहिए। चलिए देखिए, अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे दोस्तों कुछ एक और लोगों की समस्याओं को लेकर के, उनकी मेल्स को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।